नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं आपके साथ गुलविश। होली का त्यौहार हम सबके बीच है। इस मौके पर लोग खुलकर रंगों से खेलते भी हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग जोश में ऐसे रंग लगा देते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, जिससे रिएक्शन हो जाता है। यही नहीं, कुछ रंगों में तो ब्रोकन ग्लास और इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं। अब आपकी स्किन पर जाकर क्या चीज़ क्या असर करेगी कहना मुश्किल है। नतीजा बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस, स्किन एलर्जीज, रैशेस, इचिंग जैसी समस्याएं होली के बाद हो जाती हैं। लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। बात आपकी थाली की करें तो लोग ओवर ईटिंग भी खूब करते हैं, तो उससे कैसे बचें, कैसे अपने आप को डिटॉक्सिफाई करें, होली से पहले अपने स्टमक का ख्याल कैसे रखें और होली के बाद क्या करें, तो ये तमाम सवालों के जवाब अपने इस खास कार्यक्रम में हम देने वाले हैं। दो खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति ध्यानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्किन और हेयर स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर स्वाति। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, जो कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर परमेश्वर, आपका भी स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आना चाहूँगी। लोग रंगों से खूब खेलते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि होली के अगले दिन या उसके दो दिन बाद लोग परेशान होते हुए आते हैं कि एलर्जी हो गई है, इचिंग हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, ऐसा क्या केसेस बढ़ते हैं? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी सभी के लिए होली बहुत अच्छे से खेले, हैव अ वंडरफुल होली टू एवरीवन। बट कुछ स्किन केयर टिप्स होती हैं जिससे आप होली को बहुत ही अच्छा फेस्टिवल बना सकते हैं। तो लाइक कुछ प्रिकॉशन हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, और आप होली बहुत ही वंडरफुली प्ले कर सकते हैं विद द प्रॉपर प्रिकॉशंस। सो फर्स्ट, अगर आप प्रिकॉशंस लेना चाहें तो लाइक एक दिन पहले होली के यू कैन वेयर अ गुड हाइड्रेटिंग मास्क, जिससे कोई भी आपकी स्किन में कलर लगा रहा है या कुछ है तो वो सीवियर बर्न ना हो आपकी, तो यू कैन वेयर अ गुड हाइड्रेटिंग और हाइलुरोनिक मास्क इन अ डे बिफोर। उसके बाद जब जिस दिन हम होली खेल रहे हैं उसे आप अपना स्किन में एक गुड एलोवेरा जेल काइंड ऑफ एक लेयर लगा सकते हैं, एंड ऑयल या वेस्लिन से अपना स्किन को बैरियर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो स्किन में है जो कलर्स है वो बहुत ही कम अमाउंट में एब्जॉर्ब हो। एंड यू कैन वेयर सन ग्लासेस ऑल्सो एंड अ गुड अप्लायर गुड लेयर ऑफ सनस्क्रीन, और वो सनस्क्रीन को आप 2-3 times लगाए, जिससे स्किन में आपके कम ही प्रॉपर इन्फेक्शन या बर्निंग कम हो। और इमिडिएटली अगर कोई रैश या कोई बर्न हो जाए स्किन को, सो ओवर द काउंटर ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम यू कैन अप्लाई इमिडिएटली वॉश करके, सो यू कैन सेव द स्किन इमिडिएटली। ओके, लेकिन डॉक्टर स्वाति, ये भी मैं जानना चाहूंगी, इन्फेक्शन या इस तरह की जो स्किन रिलेटेड दिक्कतें हैं होती हैं होली के बाद, तो क्या ये बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती हैं अगर ध्यान ना दें तो? हाँ, अगर आप प्रॉपरली प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो, सावधानी नहीं बरत रहे हो, तो डेफिनेटली आपके कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो हाई टॉक्सिन्स होते हैं, और इमिडिएटली किसी पर्सन में लगाओ तो कुछ बर्निंग की चांसेस हो जाती हैं या इन्फेक्शन काइंड ऑफ समथिंग हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो होली को एज अ समथिंग वैसे भी प्ले करते हैं जिसपे टॉक्सिन्स ऐसे स्किन में चले जाते हैं जो बर्निंग हो जाती है। तो उसके लिए मैंने कुछ स्किन केयर टिप्स आपके साथ शेयर करी है, जो प्रिकॉशनरी बेस यू कैन अप्लाई द स्किन केयर टिप्स बेस एंड यू कैन प्ले अ सेफ होली। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम आगे कुछ और टिप्स भी लेंगे डॉक्टर स्वाति से। और ये जो टिप्स हम बता रहे हैं ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए हैं, तो अगर मास्क लगाना है तो दोनों को लगाना है अगर आपको होली खेलनी है। तो चलिए डॉक्टर परमेश्वर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। हम त्यौहार बहुत ज़्यादा जो बहुत प्रेस्टिजियस माने जाते हैं, और ऐसे में ओवर ईटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर 4 parties हैं तो 4 parties में मिठाइयाँ सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो ऐसे में उसके लिए उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या टिप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपके सारे व्यूअर्स को भी। और जैसे आपने कहा कि जोश में रहना है लेकिन होश नहीं खोना है, ये एक मंत्रा होता है कि किसी भी फेस्टिवल को आप एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन मजा तब है जब आप उससे उसके साइड इफेक्ट से ग्रसित ना हो, आप बीमार ना पड़े। ऐसा रंग नहीं किसी को लगाना है कि उसके बाद उसको स्किन एलर्जी हो जाए, स्किन इरिटेशन हो जाए या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाए, पोल्यूशन बहुत फैल जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है, ऐसे पीने में हमने ध्यान रखना है कि हम जो है वो डेफिनेटली एक शगुन का तो खाएं लेकिन ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि हम त्योहारों पर अक्सर पहले हम ओवर ईटिंग करते हैं और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो एसिडिटी के रूप में गैस के रूप में लूज मोशन के रूप में हमें बहुत देखने को मिलती है।
इनवाइट करना है और आपको लगे आप मूव कर रहे हैं एंड यू हैव टू अटेंड मे बी 10 फंक्शंस, एक जगह थोड़ा सा खाएं, आप पहली जगह भी भरपेट खा लें, दूसरी जगह जाके आपको किया, तो बेसिकली इस चीज को थोड़ा सा हमें इंटेलिजेंटली मतलब इसको हैंडल करना है। आपको हर जगह जाना भी है, हर जगह आपको ऑफरिंग्स भी मिलेंगी, हर जगह लोगों को तब मिलेगी जब आप थोड़ा उठा के खाएंगे। तो मुझे लगता है कि छोटा छोटा सबको संतुष्ट करें, पहले जब घर से चले तो पेट भर के ना चले। दूसरा सेकंड इश्यू आता है हाइजीन का, क्योंकि इस समय क्या होता है कि हमारे हाथ गंदे होते हैं कलर्स में, आज के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली कलर्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें लेड है, मरकरी है, कैडमियम है, क्रोमियम है, ये सारे टॉक्सिक मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स, तो हमारे हाथ में वो कलर होता है। फिर कभी देखते हैं गुलाल वगैरह हमारे जो खाने की चीजें गुंजिया है, मिठाई है, पर पकौड़ों के ऊपर पड़ा होता है फिर भी हम उसे खा रहे होते हैं, तो डेफिनेटली वो एज एन एलर्जन का एक इरिटेंट की तरह काम करेगा। हमारी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा बहुत सॉफ्ट होती है, दैट कैन नॉट टॉलरेट दैट हैवी मेटल लेड और मरकरी का सीधा सीधा एक्सपोजर वो टॉलरेट नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों तरह से, ना हमें ओवर ईटिंग करनी है ना हमें अनहाइजीनिक माहौल में खाना खाना है, सो दैट हम होली को एंजॉय करें, होली के बाद बीमार ना पड़े। यहाँ पर मैं डॉक्टर परमेश्वर एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे, देखिए थोड़ी बहुत तो खाना पीना चलता ही है, आप थोड़ा मीठा ज्यादा खाते ही हो जब त्योहार होता है, तो ओवर ईटिंग होती भी है, तो कहाँ पर हमें रुक जाना चाहिए कि बस अब इसके अलावा आज के उसमें इतने ज्यादा मीठा नहीं खाना, तो ये तो आपको थोड़ा थोड़ा चेक रखना पड़ेगा, मतलब कहाँ पे आप रुक जाएं बिल्कुल। एक्चुअली देखिए इस मामले में सबकी क्षमता अलग अलग होती है, मैं चाहे विदाउट शुगर पीता हूँ, आप विद शुगर पीते हैं, आई एम नॉट डायबिटिक लेकिन मैं विदाउट शुगर पीता हूँ, मुझे अब मीठी अच्छी नहीं लगती, तो सबका अलग अलग एक तरह से रेंज है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, लेकिन हाँ उस कैपेसिटी को वो पर्सनली वो व्यक्ति सबसे अच्छा जानता है, उसको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, उसने हर जगह थोड़ा थोड़ा खाना है। और सबसे अच्छी निशानी क्या होती है कि आपका पेट जो है वो ओवर ईटिंग में नहीं जा रहा है, उसकी निशानी ये होती है कि हर समय आपके पेट में इतनी जगह जरूर रहनी चाहिए, इफ एवरीथिंग यू कैन ईट, इसका मतलब है कि आपका पेट ओवर ईटिंग में नहीं है, एक निशानी होती है। हम लोग इन जनरल, आज कार्यक्रम तो होली का है लेकिन वैसे आपको बताता हूं, हमारे यहाँ शास्त्रों में आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आप जब खाना खाते हैं तो आपको पेट के चार हिस्से करने होते हैं, दो हिस्से सॉलिड के लिए, एक हिस्सा लिक्विड के लिए और एक हिस्सा सदैव आपको खाली छोड़ना होता है एयर के लिए। और इसकी क्या निशानी है कि आपने आप लंच करने बैठे एयर के लिए आपने जगह छोड़ी कि नहीं छोड़ी, तो यह है कि जब आपको ये महसूस हो कि नहीं अभी मैं और खा सकता हूं, और तब आप अपने जीवा पे नियंत्रण कर लें, अपने जो बढ़िया बढ़िया सामने खाना दिख रहा है उसकी तरफ जाके जो है वो क्रेविंग अपनी खत्म कर लें, इसका मतलब है आपने वो जगह छोड़ी है। दैट मींस जब आप यहां तक भर लेते हैं कि जी अब नहीं, तो इसका मतलब है ओवर ईटिंग हो चुकी है। जब आप हां जी कर खाने के, दैट मींस तो इसलिए हम क्यों बोलेंगे कि आप एक लड्डू खाएंगे दो लड्डू खाएं, तब तो रूप से ही डिसाइड होगी, पर्सनली वो जानता है मैं कितना रूटीन में खाऊं, तो रूटीन में जितना खाते हैं होली के दिन वो मतलब बिकॉज ऑफ द शेड्यूल वो टुकड़ों में मिलेगा, लेकिन पेट में ध्यान रखना कि टोटली में है जितना आप डेली कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ब्रेक कहाँ पर आपको लगानी है ये आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, और डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि आपको कैसे ध्यान रखना है, अब आगे आप देखिए आप कितना कितना अब रोक पाते हैं अपने आप को ओवर ईटिंग से। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आना चाहूँगी, आपने स्किन के बारे में टिप्स बताए लेकिन हम हेयर की बात करें, बालों पर भी बहुत असर पड़ता है, तो बालों के लिए होली खेलने से पहले क्या क्या ध्यान रखें सब लोग? लाइक अगर हम हेयर के लिए आते हैं टिप्स के लिए, तो सबसे बेस्ट है जिस दिन आप होली खेलने जा रहे हैं उसकी मॉर्निंग में आप एक अच्छा सा लीव ऑन कंडीशनर मास्क लगा सकते हैं, जिससे आप जो कलर है कोई लगा रहा तो हेयर्स में ड्राइनेस बहुत कम आए, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं हेयर मास्क, जिससे प्रोटेक्टिव बैरियर टाइप ऑफ बन जाए लाइक मोस्टली। और मोस्टली द मेन थिंग, लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि होली में हमें क्या पहनना है, वट बी द बेस्ट क्लोथ वी हैव टू वेयर, सो द बेस्ट क्लोथ यू कैन वेयर लाइक माइक्रो फाइबर क्लोथ्स आते हैं, वो बहुत अच्छे क्लोथ्स रहते हैं, बेटर देन कॉटन, सो उससे क्या होता है आपकी बॉडी में जो कलर्स होते हैं वो कम एब्जॉर्व करते हैं, सो आप इन्फेक्शन हो गए, आपकी कोई एलर्जी काइंड ऑफ हो गई या रैश हो गए, उससे जो लोग हैं वो बचे रहेंगे। सो हेयर के लिए दी बेस्ट है, आप ऑयल लगा सकते हैं, वेस्टलिन लगा सकते हैं, जिससे आपकी कम बालों में ड्राइनेस लगे। डॉक्टर स्वाति, अगर जी डॉक्टर स्वाति, अगर बच्चों की बात करें, ये तो बड़ों की बात हो गई, बच्चे तो सुनते ही नहीं है,
लगातार होली खेलते रहते हैं, दो दो तीन तीन दिन उनके चलती है होली, तो बच्चों के लिए आप क्या राय देंगी? तो ये कि पूरी बॉडी आप अच्छे से हाइड्रेट करके रखिए, ऑयलिंग करके रखिए, दी बेस्ट है जो हम बचपन से करे आ रहे हैं। हमारी मॉम डैड तो हमें पूरा ऑयल से ही अच्छे से मसाज कर देते थे, जिससे हमारा जो कालाज है वो कम एब्जॉर्व हुए। तो बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, जो आपके पेरेंट्स है अगर आपको कुछ प्रिकॉशंस बता रहे हैं तो दी बेस्ट है। प्रॉपर आपके हेयर आप ऑयलिंग करके रखिए, अच्छे से SPF लगा के, सनस्क्रीन लगा के बच्चों को बाहर भेजिए, जिससे उनका कम एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना रहे और कम उनको हार्म हो। एज अ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति, आप क्या राय देंगी लोगों को, कौन से कलर सबसे ज्यादा सेफ हैं? ऑर्गेनिक कलर्स हम बहुत सुन रहे हैं, तो आप क्या राय देंगी कि कौन से कलर्स सेफेस्ट हैं और वही इस्तेमाल करें सब लोग? सेफेस्ट तो वी कैन से विद द जो ऑर्गेनिक जो कलर्स आते हैं, यू कैन गो विद दैट। कुछ भी स्प्रे काइंड ऑफ समथिंग आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि स्प्रे में ऑलरेडी जो है बहुत ऑक्साइड होते हैं और लीड्स होते हैं, जिससे आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हार्म होता है। तो जितने हो ऑर्गेनिक, जितने भी घर के बने कलर्स हो या उपटन हो समथिंग, वो आप यूज करोगे तो बेटर रहेगा स्किन टोन। सो यू कैन गो विद डैट। और इमिडिएटली कोई रश हो जाए कुछ स्किन ओवर द स्क्रीन है, इमिडिएटली आप वॉश करके हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम लगा सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ बहुत जल्दी मिल जाए। डॉक्टर स्वाति बता रही हैं एक जेनरिक क्रीम है, ये हाइड्रोकॉर्टिसोन जो बता रही हैं ये, और ऐसे में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई आपको दिक्कत महसूस हो रही है। डॉक्टर परमेश्वर, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं होली की, हम पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, होली हो गई, होली के अगले दिन क्या कोई तरीका है कि अपनी बॉडी को थोड़ा डिटॉक्सिफाई कर लें, थोड़ा आराम दे दें अपनी बॉडी को, जितना हमने खाया पिया है, घूमा फिरा है, तो कोई वो हम चाहेंगे और टिप्स आप दें कि अगले दिन क्या करना है कि बॉडी बैलेंस हो जाए? हमारी जो बॉडी है, हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी हमारी ताकत है जो सेल्फ हीलिंग करती है, बॉडी को डीटती है, उसको स्पेयर करना होता है, स्पेयर छोड़ना होता है होली के दिन, बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल एंड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द फेस्टिवल। आपने कुछ अधिक खा लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप नेक्स्ट डे यू रेस्ट्रिक्ट यूर सेल्फ टू द लिक्विड डाइट, आप थोड़ा कम खाएं और जितना हो सके लिक्विड डाइट पर रहें। जैसे आपने थोड़ा सूप ले लिया, सब्जी खा ली, थोड़ा सा रात खा ली, तो काइंड ऑफ आप लिक्विड डाइट पर रहेंगे, लाइट डाइट पर रहेंगे, बॉडी प्रीवियस डे होली वाले दिन जो आपसे थोड़ी सी ओवर ईटिंग हुई होगी या कुछ तरह का वायलेशन हुआ होगा वो कंडीशन प्रोवाइडेड कि नेक्स्ट डे आप अपने मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा स्पेयर करें। एंड मेटाबॉलिज्म स्पेयर होता है बाय फास्टिंग, जब हम सो कॉल्ड व्रत रखते हैं या हम कम खाते हैं समय, वो बॉडी का एक नेचुरल डिटॉक्स का तरीका है। हमारे बड़े गुल अगर आप याद करें तो हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करते थे जी। उसका रीजन ये था कि अगर 6 दिन में भी गलत हमारे शरीर में पहुंच गया तो हम है उस दिन वो स्पेयर रहेगी, उस गलत चीज को या तो पचा देगी या शरीर से बाहर निकाल देगी। तो फास्टिंग इज सपोज टू बी द मोस्ट सिंपलेस्ट, मोस्ट नेचुरल बट मोस्ट इफेक्टिव एक तरह से तरीका। तो होली के बाद मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट डे जो लोग जो है कम खाएंगे, थोड़ा लिक्विड डाइट पे रहेंगे, वो लोग जो है होली के दिन के वायलेशंस को भी काउंटर कर जाएंगे विदाउट एनी हैविंग एनी सिम्टम, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन की आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर परमेश्वर, लिक्विड डाइट की आप बात कर रहे हैं, कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे लिक्विड डाइट में लोग क्या क्या ऐड करें होली के अगले दिन, होली के अगले दो तीन दिन क्या चीज ऐड करें? आप जूसेस पे रहिए, आप सूप्स पीजिए, आप पतला पतला दाल लीजिए, पतली पतला दलिया लीजिए, तो इस तरह की जो लिक्विड सूप, देखिए जूस नाश्ते में आप एक ग्लास जूस पीजिए, दोपहर में आप जो है कुछ वेजिटेबल्स का अच्छा सा सूप बना सकते हैं घर पे, रात आप पतली पतला खाइए, आप फिर सूप पी सकते हैं। आप दूध, जिन लोगों को अच्छे से सूट करता है वो हल्दी वाला दूध पीजिए, आप दो टाइम क्या प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा दही खा सकते हैं, आप थोड़ा सा छाछ बटर मिल्क ले सकते हैं, तो वी हैव सो मेनी लाइटर थिंग्स जो आपका पेट भी भरे, आपको ये भी तसल्ली हो कि यस आपने कुछ खाया, आपको भूखा नहीं रहना है, लेकिन थोड़ा सा आपको लिक्विड डाइट की तरफ, सो 5-6 जिसे हम बोलते हैं, बहुत इजीली आपका पेट भी भरे और आप और कुछ सॉलिड जाना ही है तो आप फ्रूट्स काट के खा लीजिए थोड़े से। तो आई मीन गो फॉर सिंपल थिंग्स, इजीली डाइजेस्टेबल स्टफ खाना है,
होली के दिन के बाद अगले दिन अगर आप फिर से नॉन वेजिटेरियन फूड, फिर से वही पनीर, फिर से वही छोले राजमा चावल, तो आप प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, आप अपनी बॉडी को आपको समझना है और उसी हिसाब से अगर आप एक दिन ज़्यादा खा रहे हैं तो अगले दिन आपको थोड़ा सा अपने आप को रोकना पड़ेगा, यही सही तरीका है ताकि आप ज़िंदगी को अच्छे से इंजॉय भी कर सकें। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से कलर्स का ध्यान रखें, अपने स्किन और हेयर की बात करें, तो मैं जानना चाहूँगी, जो मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था कि अगर स्किन एलर्जीज, क्योंकि कलर्स आपको पता नहीं होता कि कौन आप पे क्या कलर लगा रहा है, तो ऐसे में कौन से वो निशानी हैं जो आप बताएंगे कि आपको घर पे ही कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें नहीं करनी है और डॉक्टर के पास जाना है, वो बता दीजिए हमें। होम रेमेडीज काइंड ऑफ, हाँ होम रेमेडीज में आप देख, अगर जैसे कहीं आपका ज्यादा बर्न हो गया या कुछ रैशेस पड़ गए हैं तो टर्मरिक पाउडर होता है सबसे दी बेस्ट, उसको इधर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट होम रेमेडी, यू कैन गो विद दैट। एंड हनी आप ले सकते हैं टर्मरिक पाउडर से, आप एटलीस्ट उस वाले एरिया बर्निंग है इन्फेक्शियस एरिया को हम कवर कर सकते हैं। योगर्ट हम लगा सकते हैं, ऐसा कुछ दही है, ये होम रेमेडीज है कुछ ऐसी जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं उस इन्फेक्शन को और केमिकल सब्सटेंस को। एंड कुछ अच्छा सा टर्मरिक या कर्ड का स्मूथ पेस्ट लगा के उस वाले टारगेटेड एरिया में हम लगा सकते हैं। सो ऐसी कुछ होम रेमेडीज है, या आप गर्म हल्दी का दूध पी सकते हैं इन द नाइट टाइम, सो वो चीजें जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी स्किन में अटैच हो गई है वो आपको कम हार्म करेंगी। यहाँ पर आप हल्दी वाला दूध आप बता रही हैं डॉक्टर स्वाति, तो ये जो कच्ची हल्दी है वो या जो हल्दी पाउडर है वो कौन सी पाउडर यू कैन यूज? हल्दी पाउडर भी यू कैन यूज और कच्ची हल्दी तो और बेनिफिशियल होती है, जो भी आपको एज अ प्रोवाइड हो सो डैट यू कैन अप्लाई। बेसन से आप पूरा आफ्टर जब होली हो जाए, खेल ली है तो बेसन से पूरा बॉडी को आप अच्छे से स्क्रब कर सकते हो, इसलिए आपके स्किन कलर छूट जाए आपकी बॉडी से और कोई ऐसा कुछ हार्म ना हो। और अगर इसके बाद भी आराम ना मिले तो क्या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? कितने दिन या कितना 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 टाइम वेट करके आपको चले जाना चाहिए अगर आपकी स्किन एलर्जी या रैशेस नहीं जा रहे हैं? मतलब देखिए सेम डे तो मुझे लगता नहीं उस टाइम कोई डॉक्टर अवेलेबल होगा, या आपके कोई नीड है, आपको कोई डर्मेटोलॉजी या स्किन स्पेशलिस्ट से आपका कॉन्टैक्ट है तो इमिडिएटली आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज उस एरिया में आप जो मैंने आपको होम रेमेडीज बताई है उससे पहले एज अ प्रिवेंटिव मेजर हम पहले जो होम रेमेडीज पे जाएंगे, उससे भी अगर नहीं आपको इफेक्ट आ रहा है तो डे आफ्टर होली या एक दो दिन के बाद आप डॉक्टर को दिखाओ एंड दे विल गिव यू अ गुड लाइक समथिंग, अच्छे कॉम्बिनेशन का फ्यूजिडिक क्रीम दैट यू कैन अप्लाई एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जिससे आपको कम हार्म हो बॉडी पे। ये कोई ये मतलब सब तरह की स्किन के लिए जो आप ये क्रीम बता रहे हो? हाँ, ये ओवर द काउंटर क्रीम्स होती हैं जिससे आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर परमेश्वर, क्योंकि प्रोग्राम को समाप्त करने का समय आ गया है, कुछ और टिप्स जो देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? बिल्कुल, सबसे पहला टिप तो ये है कि इतनी बातें आपने अच्छी अच्छी की हैं कि होली जो है वो भाई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और अहंकार पर आस्था की जीत का पर्व है। भगवान विष्णु यानी नारायण को पूजने का दिन है तो सबसे पहले तो ये इंश्योर करें ना रंग की तरफ जाएं, ना गुंजियों की तरफ जाएं, सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और ये अपनी जो आस्था है भगवान विष्णु के प्रति उसे पक्का करें। और साथ में होली खेलेंगे, फूलों की होली खेलिए, चंदन हमारे पास है, चंदन का तिलक लगाइए। इस पर्व को उड़दंग वाला पर्व नहीं बनाना, इस पर्व को हमने भगवान विष्णु से कनेक्शन का पर्व बनाना है, बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व बनाना है और सबके साथ बहुत खुशियों के साथ मनाना है। हमारे किसी भी समाज में, किसी भी मोहल्ले में, किसी के साथ भी अगर दुर्घटना घटती है और हमारी उड़दंगबाजी की वजह से, तो मुझे लगता है ये पर्व जो है उसको खराब करता है, ऐसा नहीं करेंगे। बहुत सावधानी से, बहुत अनुशासन के साथ हम सब लोग भगवान को भी याद करेंगे, चंदन लगाएंगे, खेलेंगे ये, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और डॉक्टर स्वाति, आप क्या कहना चाहेंगी प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले? Like happy holi to everyone, first of all अच्छे से होली खेलिए, बेफिक्र होके होली खेलिए, बट कुछ कुछ चीजें हैं एज अ प्रिकॉशनरी जो आप होली से पहले आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। कुछ चीजें हैं आप डिटॉक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को होली से, बिफोर एंड प्री एंड पोस्ट डिटॉक्स डाइट आपको डॉक्टर बताई चुके हैं,
और कुछ स्किन केयर टिप्स हैं जिससे आप अपनी होली को बहुत ही सेफफुल और कलरफुल होली बना सकते हैं। सो हैप्पी होली टू एवरीवन। सबसे दी बेस्ट है, आप प्लीज बच्चों को भी सनस्क्रीन लगा के ही बाहर भेजिए। हाइड्रेटिंग बच्चों को इनकरेज करो, जितना आप वाटर इंटेक अच्छा रखोगे, 3 to 4 liters वाटर पिएंगे, उतना बच्चों को भी ड्राइनेस कम आएगी और डिहाइड्रेशन कम होगा। और हेयर मास्क, हेयर के लिए सबसे दी बेस्ट है हेयर मास्क, कुछ ऐसा अप्लाई करिए जिससे आपकी बॉडी में जो कलर्स है बहुत ही कम एब्जॉर्ब हो और हार्मफुल जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनसे आप बचे रहे। सो हैव अ वंडरफुल होली टू ऑल, हैव अ सेफ होली टू ऑल। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर परमेश्वर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी टिप्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि श्रेष्ठ भारत के दर्शक और बाकी सब लोग भी अच्छे से होली मनाएं और कैसे अपने आप को बचाना है ताकि कोई आपको समस्या ना हो अगले दिन, वो सारे टिप्स हमने आपको बता दिए हैं। तो हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।